हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में। इसमें तकरीबन 338 के करीब नौकरियों का ऐलान हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इस जॉब के लिए मोबाइल से अप्लाई कैसे करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है, फ़ीस कितनी जमा करवानी होगी, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके कहाँ भेजना है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से टेस्ट होंगे और तैयारी कैसे करनी है टिप्स और ट्रिक्स के साथ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, हम इस तरह के पास्ट पेपर, सिलेबस और पीडीएफ बुक्स अपलोड करते रहते हैं। अब हम इस जॉब के इश्तिहार को एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इश्तिहार आपके सामने हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले नंबर पर इसमें असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है। इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 75,000 रुपये इसकी पे है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपके कोई डिप्लोमा भी किया हो इस फील्ड में। 75,000 इसकी भी पे है। सब स्टेशन ऑपरेटर ग्रेड की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का डिप्लोमा इस फील्ड में आपने किया होना चाहिए। इसकी जो पे है वो भी 75,000 है। असिस्टेंट हेड क्लर्क की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 60,000 इसकी पे है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। डाटा गार्ड की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 60,000 पे इसकी भी सैलरी है। आगे स्टोर कीपर की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न में और आपको इसके मतलब आपने कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इसमें और कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कमर्शियल असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आउट असिस्टेंट की जॉब है, ऑडिट असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किया हो। सब स्टेशन ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक की डिग्री चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इस फील्ड में होना चाहिए। MS-1 की जॉब है, इसके लिए 3 साल की 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो और मैट्रिक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपको ज़रूर ये जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती वो इस जॉब से रह जाते हैं। जूनियर स्टोर कीपर की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और AMF की जॉब है, इसके लिए भी मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर क्लर्क अपर डिवीज़न की जॉब है, इसके लिए भी आपको पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है, उसके बाद मीटर रीडर की जॉब है, ट्रेसर की जॉब है, सिक्योरिटी सार्जेंट की है, असिस्टेंट सब अटेंडेंट की है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की है, सिक्योरिटी गार्ड की है, ALM की जॉब है। आपने इश्तिहार को खुद भी एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना है और जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उसके सामने आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेना है ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपने NTS की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन मतलब फॉर्म उनका है वो उसको फिल करना है अच्छे तरीके से। फेस्को हेडक्वार्टर NTS हेडक्वार्टर में हाथ से दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी, मतलब आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए। उसके बाद जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है तो उसकी जो फॉर्म होगा उसकी कॉपी और रिजल्ट कार्ड, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, ID कार्ड नंबर, डोमिसाइल और आपकी जो तस्वीरें हैं वो भी साथ में अटैच होनी चाहिए। और इसके बाद आपको मतलब जब अगर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाना होगा तो आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर आपको वो इतला कर देंगे। और जिसकी रोल नंबर स्लिप है वो भी टेस्ट की तारीख से कम से कम 1 हफ्ता पहले NTS की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आप NTS की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा ताकि आपको इसके मतलब अपडेट मिलती रहे।
30/4/2024 इस दरख्वास्त को जमा करवाने की लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी जो दरख्वास्त है वो वसूल नहीं की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद आपने इस जॉब के टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। इस टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर आकर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पास्ट पेपर्स का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसके ऊपर जैसे अभी आपने फेस्को की जॉब के लिए अप्लाई करना है वो लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फेस्को के पास्ट पेपर सिलेबस इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके तमाम पास्ट पेपर सिलेबस PDF बुक्स गेस्ट पेपर खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए। आप भी यहाँ से अपने टेस्ट की तैयारी करें और इस वेबसाइट से फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।